जय गुरुदेव। आज हमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड ज्ञान, खास ज्ञान देने के लिए हमारे साथ आए हैं डॉक्टर विवेक अलाहाबादिया। उनका जोर का पाने से स्वागत करेंगे। आजकल हड्डी की बीमारियां, जॉइंट्स की बीमारियां जो है वो ऑलमोस्ट हर एक को हो रही है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो उसके लिए बहुत सारे कारण में है, तो ये लाइफस्टाइल बदलने के लिए भी ज़रूरी है। और विशेष वैसे हमारा लाइफस्टाइल बदलने से भी ये बहुत सारी बीमारियों से हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन उससे पूरे तरीके से हम मुक्त होंगे ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो हमें एक्सरसाइजेस वगैरह भी करना ज़रूरी है, हमारे लाइफस्टाइल में और भी कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। तो वो सब ध्यान देने के लिए इज अ वेरी वेरी लर्निंग पर्सन, वो मास्टर्स इन सर्जन, वो सर्जन हैं। और वो बॉम्बे से, लंदन से और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई की है, उधर से वो सर्जन हो गए हैं। और उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट में है, वो नीस रिप्लेसमेंट में खासियत उनके रखते हैं। वो एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में कनेक्टेड है और उधर सर्जरी करते हैं नी रिप्लेसमेंट, ये उनका खास उनका प्रोफेशन है, डॉक्टर मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन है। तो इतने बावजूद, इतने बिजी होने के बावजूद ना, जस्ट अभी लवली ने एक सर्जरी करके ही वो इधर आ रहे हैं। इतने बिजी होने के बावजूद वो हम सबको ये ज्ञान देने के लिए आए हैं कि कैसे हम ये जो आर्थराइटिस या जॉइंट जो बीमारियाँ हैं उनसे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो मैं और ज़्यादा समय आपका नहीं लेता हूँ, मैं वापस जो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जोरदार ताली से स्वागत करिए। थैंक यू, नमस्ते। मुझे अच्छा लगा देख के कि अच्छा क्राउड आया सुनने के लिए। आर्थराइटिस के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ भी चल रही है, जो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। आर्थराइटिस क्या बीमारी है और कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके ऊपर थोड़ा आपको मैं ज्ञान देना चाहता हूँ। सो आर्थ का मतलब है जॉइंट, आइटिस मतलब इंफ्लेमेशन। सो इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, जॉइंट की सूजन, इसका मतलब है आर्थराइटिस। ये काफ़ी स्टेजेस होते हैं, शुरुआत में सिर्फ हल्का पेन होता है, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे काफ़ी, अगर ध्यान ना दो काफ़ी जल्दी बढ़ जाता है। तीन प्रकार के कॉमनली हम देखते हैं क्लिनिक में, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस बोलते हैं, जो एज के हिसाब से होता है 55 साल के बाद। आजकल हम यंग पेशेंट्स में भी देख रहे हैं, इसका कारण अभी तक पता नहीं है, लेकिन कभी कभार 45-50 की एज में भी पेशेंट आते हैं आर्थराइटिस के साथ, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ। दूसरी बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर देखा जाए तो ज़्यादा करके घुटनों में प्रॉब्लम आती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हाथों के जॉइंट्स या शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, सब जॉइंट डैमेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़, ये कोई भी एज में शुरू हो सकता है। ये हम 14 साल के बच्चों में भी देखते हैं और 30 साल के युवकों में भी देखते हैं, 30 इयर्स की औरतों में भी देखते हैं। सो एज इसका लिमिट कुछ नहीं, यंग एज में भी हो जाता है। इसमें जो है बॉडी खुद सेल्स बनाती है जो जाके जॉइंट को डैमेज या खाना शुरू कर देती है, और काफ़ी सूजन और लिमिटेड मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है जॉइंट्स में। सुबह पेशेंट उठता है तो जॉइंट्स हाथ के, पैर के काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं। ये अगर आप देख रहे हो, ये पिक्चर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप ऐसे हैंड्स या हाथों में डिफॉर्मिटी या उंगलियां टेढ़ी नहीं होती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभार नोड्यूल्स आते हैं या पैरों में ब्लड के पैचेस आ जाते हैं, या आईज में कभी कभार पैच आ जाता है, इसे स्क्लेराइटिस कहते हैं। तो मल्टीपल जॉइंट्स एंड मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसका अगर ट्रीटमेंट जल्दी नहीं किया जाए तो वो जॉइंट्स कभी कभी परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं,
और फिर उन्हें रिप्लेस या चेंज करना पड़ता है, जिससे फिर और 15-20 साल पेशेंट नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। ट्रॉमा रिलेटेड आर्थराइटिस स्पोर्ट्समैन में ज़्यादा देखा जाता है। कभी जॉइंट इंजर हो गया, जैसे फुटबॉल खेलते समय लिगामेंट डैमेज हो गया या कार्टिलेज फट गया, उसके बाद अगर केयर नहीं लिया या एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी बराबर नहीं किया, मसल्स वीक हो जाए तो जॉइंट फिर स्लोली डैमेज होते जाता है और आर्थराइटिस बढ़ जाता है। ये अगर आप देखें नॉर्मल लुकिंग जॉइंट है, ये जो वाइट चीज आप देख रहे हैं इसे कार्टिलेज बोलते हैं। ये कुशन देता है जॉइंट को, जब आदमी दौड़ता है, भागता है, जमीन पे बैठता है, उठता है, तो ये कुशनिंग इफेक्ट देता है। ये दूसरा कुशन है और ये इसको मेनिस्कस बोलते हैं। गद्दियाँ होती है दो जॉइंट के अंदर जो जॉइंट को स्टेबलाइज करती है भागने के टाइम, चलने के टाइम, नीचे से उठने के टाइम। और ये लिगामेंट्स है जो जॉइंट्स को डैमेज होने से, खिसकने से रोकते हैं, स्पेशली ट्विस्टिंग मूवमेंट्स में, जब पेशेंट टेनिस खेलता हो या सडनली रुके टर्न करे, ये लिगामेंट्स काम करते हैं। ये क्रूशिएट लिगामेंट्स बोलते हैं। यहाँ हम सिर्फ एक देख सकते हैं, ये एंटीरियर क्रूशिएट है। ऐसा एक और लिगामेंट नी के पीछे बाजू पे होता है जिसे पोस्टीरियर क्रूशिएट कहते हैं। अभी ये पिक्चर आप देखिए तो ये कुशन पूरा डैमेज हो चुका है, हड्डियों में सिस्ट बन गई है और कार्टिलेज इनरेगुलर हो गया है। इसकी वजह से पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है, सीढ़ी चढ़ने में पेन, नीचे बैठ के उठने में पेन, चलने में पेन। सो आर्थराइटिस के बाद, सीवियर आर्थराइटिस के बाद जॉइंट ऐसा लगता है। ये आप कंपैरिजन देख रहे हो नॉर्मल जॉइंट और आर्थराइटिस वाला जॉइंट का। सो आर्थराइटिस होता क्या है? इसमें बेसिकली जो कार्टिलेज या कुशन जो सफेद कलर का मैंने बताया, वो आहिस्ते आहिस्ते घिसने लग जाता है और फिर बोन बोन को टच हो जाती है। जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गैप खत्म हो गया है, तो पेशेंट्स काफी आके बोलते हैं। लेकिन आर्थराइटिस भले रूमेटॉइड हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या ट्रॉमा पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, कोई भी प्रकार की आर्थराइटिस हो, उसका एंड रिजल्ट सेम होता है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत, सूजन जॉइंट की, उठने बैठने में दिक्कत। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं? आजकल देखते हैं हम के लोग बोलते हैं हमारे नेबर ने ये लिया था तो मैंने भी ये गोली शुरू कर दी। आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है। पहले डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस करना चाहिए कि किस प्रकार की आर्थराइटिस है। आपके नेबर को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, आपको शायद रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो आप कहे सुनने पर गलत दवाइयाँ खाओगे तो सिस्टम को या बॉडी को और नुकसान होगा। सो यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर डायग्नोसिस। पहले डॉक्टर को पूछना है कि किस प्रकार की आर्थराइटिस है और इसका प्रोग्नोसिस क्या है। अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार की आर्थराइटिस है। अगर वेयर एंड टियर आर्थराइटिस है तो फिर ट्रीटमेंट रिलेटिवली थोड़ा सिंपल हो जाता है, लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके मेडिसिन काफ़ी हाई डोज लेने पड़ते हैं और हर 6-8 हफ्ते बाद ब्लड चेक करना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कभी कभार ब्लड बनना बंद हो जाता है बॉडी में, तो डोज एडजस्ट करना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर, यू हैव टू फर्स्ट गेट डायग्नोसिस एंड देन टेक ट्रीटमेंट प्रॉपरली। नहीं तो कभी कभार पेशेंट का हालत या जॉइंट परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो डॉक्टर्स यूजुअली एक्सरे और ब्लड टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार के आर्थराइटिस हैं। अगर वजन ज़्यादा है और आर्थराइटिस शुरू हो गया है, देन वेट लॉस हेल्प्स। फुटवेयर, अगर फ्लैट फुट है तो फुटवेयर मॉडिफिकेशन करवाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस बढ़ चुका है कि नीचे से उठने में तकलीफ या बहुत सीढ़ी चढ़ने में उतरने में तकलीफ, तो हम फिर नीचे बैठना या चौकड़ी मार के बैठना लिमिट कर देते हैं और बाद में थोड़ा रोक भी देते हैं। इंडियन स्टाइल टॉयलेट अवॉइड करते हैं। जॉइंट्स को रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर वॉक करनी चाहिए, फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज सीखनी चाहिए जिससे घुटनों के आजू बाजू के मसल स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि मसल भी वेट ले सके, सिर्फ जॉइंट वेट ना ले तो उससे बीमारी स्लो हो जाती है। अपने आप दवाइयाँ नहीं ले, सेल्फ मेडिकेशन ना करें तो बेटर है। और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से कई हद तक दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती, फिर डू एक्सरसाइज रेगुलरली। तो जैसे मैंने देखा आप सब योगा कर रहे हो, योगा से भी कई पेशेंट हमारे बीमारी स्लो कर चुके हैं। सो मे आई थिंक नंबर 1 शुड बी एक्सरसाइज,
नंबर टू शुड बी मेडिसिंस, आई गिव इट दैट प्रायोरिटी. तो नी का मसल स्ट्रॉन्ग रखना, सफल रखना बहुत जरूरी है. कभी कभार हम एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे जॉइंट की सूजन निकल जाए. फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाइयाँ देते हैं, शू मॉडिफिकेशन या पट्टे देते हैं, नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बीमारी जाती नहीं है. बीमारी सिर्फ हम स्लो कर सकते हैं. आर्थराइटिस एक बार शुरू हो गया तो फिर ये बढ़ने वाला है. लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान से करते हो, नी की एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर वॉक, डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहते हो बराबर, टाइम टू टाइम दवाइयाँ खाओगे, तो बीमारी काफ़ी हद तक बिल्कुल स्लो हो जाती है. एंड कई बार पेशेंट को ऑपरेशन की नौबत नहीं आती अगर इफ दे आर केयरफुल. बाय चांस अगर ऑपरेशन करना पड़े तो किस प्रकार के ऑपरेशन आर्थराइटिस के लिए करते हैं? आर्थ्रोस्कोपी है, जिसे दूरबीन से हम जॉइंट साफ कर देते हैं. ये अर्ली स्टेजेस में काम आता है, नी कैप पेन के लिए काम आता है. हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट्स को देखें तो उनके पैर काफ़ी टेढ़े हो चुके होते हैं. कभी कभार अगर पेशेंट यंग हो, जैसे 40 साल का हो, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो उसमें हम बोन कट करके बोन सीधा कर देते हैं, जिससे वेट फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जॉइंट में और 8-10 साल फिर विदाउट पेन निकल जाते हैं. यूनिट कंपार्टमेंटल या हाफ नी रिप्लेसमेंट एंड देन फाइनल इज टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो पूरा जॉइंट हम चेंज कर देते हैं. तो दीज आर ओनली केसेस जो रेगुलर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते या काफ़ी पेन है इन स्पाइट ऑफ रेगुलर ट्रीटमेंट. ये पेशेंट का अगर आप देखो, बो लेग्स हो चुके हैं, लेग्स बेंड हो चुके हैं, इनमें हमने बोन कट करके सीधा किया और प्लेट और बोन ग्राफ्ट डाला है, एंड इससे पेशेंट अभी एकदम पेन फ्री हो चुका है. सो वी आर होपिंग कि 8-10 ईयर्स पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं आए. ये भी एक सर्जरी का और एक एडवांटेज है कि इसके बाद आप चौकड़ी मार के नीचे बैठ सकते हो, इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, दौड़ सकते हो. नी रिप्लेसमेंट के जो लिमिटेशंस होते हैं वो इसमें नहीं आते. ये हाफ नी रिप्लेसमेंट है, कभी कभार सिर्फ आधा हिस्सा घुटने का खराब हो जाता है, अब हाफ नी रिप्लेसमेंट करते हैं. जैसा आप देखो सिर्फ एक हिस्सा रिप्लेस किया गया है. इसमें अगर आप देखिए तो दोनों हिस्से जॉइंट के रिप्लेस हो चुके हैं, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट है. तो नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? बेसिकली जब पेन इतना बढ़ जाए कि डे टू डे एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाए. कई कबार पेशेंट आते हैं जो अपने टॉयलेट तक नहीं चल सकते, सीढ़ी उतर के नीचे नहीं जा सकते, होम बाउंड हो गए हो, या पेन किलर्स पे डिपेंडेंट हो गए हो, जैसे किडनी खराब हो रही हो. पेन किलर्स अगर आप कंटिन्यूसली लो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, आपके किडनी और लीवर पे बहुत बुरा असर पड़ता है. और अगर किडनी फेल हो गई तो किडनी रिप्लेस भी करना बहुत मुश्किल होता है, डोनर मिलते नहीं. सो यू हैव टू बी केयरफुल, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए. डॉक्टर के सुपरविजन में दवाई लो और टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहो. तो नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? कई कबार पेशेंट पूछते हैं कि आप क्या पूरा घुटना निकाल के फेंक देते हो, नया घुटना लगाते हो? ऐसा नहीं है. हम नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ 7-8 मिलीमीटर, 7-8 मिलीमीटर बोन निकालते हैं, सिर्फ डैमेज हिस्सा निकाल के उसे कैप लगा देते हैं. तो बेसिकली इसे रीसर्फेसिंग भी कह सकते हैं कि आप सिर्फ सरफेस बदल रहे हो. जैसे यहाँ देखो थाई की बोन का जो हिस्सा है वहाँ कैप लगा दिया, फिर नीचे हमने प्लेट और प्लास्टिक का इंसर्ट लगा दिया, और नी कैप भी चेंज करते हैं, नी कैप में भी प्लास्टिक लगाते हैं. यहाँ आप डायग्राम देखो तो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट का डायग्राम है. ये थाई की बोन है, ये नीचे के लेग की बोन है, ये नी कैप है, तीनों चेंज किया गया है. सिर्फ डैमेज पोर्शन निकालते हैं और आर्टिफिशियल जॉइंट बिठा देते हैं, बीच में प्लास्टिक आता है, नी कैप भी चेंज किया. इसकी अवधि 15-20 साल है अगर कंप्यूटर से किया जाए तो. वो पेशेंट अगर 70 की उम्र में आता है तो 90 साल या 95 ईयर्स तक विदाउट पेन जी सकता है इस ऑपरेशन को. और पेशेंट जनरली हम 60-80 के बीच में एवरेज रेंज होता है. कभी कभार यंग पेशेंट्स भी आते हैं, कभी ओल्डर पेशेंट्स भी आते हैं,
92 की उम्र तक में हमने नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है और पेशेंट अभी चलते हैं। उनका कहना ये है कि अगर 4 साल भी और जीना है तो एटलीस्ट विदाउट पेन जिए। सो इवन एट द एज ऑफ 87-88 पेशेंट्स करवाते हैं नी रिप्लेसमेंट। अब नया टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम CSJR कहते हैं, इसमें हम कंप्यूटर से नी रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर आप सादी भाषा में समझना चाहें तो हर 5,000 किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी का टेक्नीशियन या मैकेनिक बोलेगा कि आप गाड़ी के टायर्स कंप्यूटर से बैलेंस करवा लो। क्यों? क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करवाओगे तो टायर एक साइड से ज़्यादा खाया जाता है, फिर टायर चेंज करना पड़ता है। इसी हिसाब से जैसे मैंने आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट में बताया कि ऊपर मेटल है नीचे मेटल है लेकिन बीच में प्लास्टिक का कुशन है, जैसे आपका नॉर्मल जॉइंट वेयर एंड टेयर से घिस जाता है वैसे नी रिप्लेसमेंट का प्लास्टिक भी घिस जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर यूज़ करके वेट बेयरिंग या जहाँ आपका वजन पड़ता है वो कट अगर आप 90 डिग्रीज पर करें तो जॉइंट की आर्टिफिशियल जॉइंट की लाइफ बढ़ जाती है, और ये सिर्फ कंप्यूटर से किया जा सकता है। विदाउट कंप्यूटर कभी कभार 3-4 डिग्री का एरर रह जाता है जिससे शायद जॉइंट सिर्फ 12 साल चले। कंप्यूटर से जो ऑपरेशन होता है उसे जॉइंट 20-25 साल चलता है। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जो हम ऑपरेशन के दौरान यूज करते हैं। अगर जॉइंट टेढ़ा पड़ जाए तो क्या होता है प्लास्टिक को, ये मैं बता रहा हूँ इसको। ये अभी नॉर्मल जॉइंट है, अगर आप घुटनों को देखो तो दोनों हिस्से में इक्वल वेट पड़ रहा है तो कुशन जल्दी घिसता नहीं है। बट अभी अगर आप 5 डिग्री टेढ़ा जॉइंट बैठे अगर सपोज विदाउट कंप्यूटर किया है तो आप देखोगे कि सिर्फ एक हिस्से में वजन पड़ रहा है, इस हिस्से में बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। सो जैसे टायर एक साइड पे घिसता है वैसे कुशन भी एक साइड पे घिस जाता है, फिर जॉइंट 10-12 साल बाद यूज हो जाता है। ये वेरियस जगह है जहाँ कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग जाके। ये चेकोस्लोवाकिया में 10 दिन जाके काम किया था। हमारी टेक्निक और उनकी टेक्निक हम एक्सचेंज करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है। और हमें ऑपरेशन के दौरान एक पूरा ग्राफ मिल जाता है कंप्यूटर पे, इसमें अगर आप देखें 12 0 डिग्रीज, मतलब हमारा 1 डिग्री एरर भी नहीं है अलाइनमेंट में। अब वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन 0.5 डिग्री एरर, विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर। तो एक नई टेक्नोलॉजी है, इससे नी रिप्लेसमेंट करो तो 15-20 या शायद पेशेंट पतला हो तो 25 साल भी निकल जाए तो जॉइंट फिर से चेंज नहीं करना पड़ता। ये एक्सरे लिया हमने ऑपरेशन के बाद, इस पर भी 0 डिग्री दिखा रहा है। दैट मीन्स व्हाट द कंप्यूटर सेइंग इज राइट। वी आर समटाइम्स क्रॉस चेक एक्सरे लेके फिर क्रॉस चेक करते हैं अलाइनमेंट। अभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिन्हें चलने में दिक्कत होती है, राइट नी रिप्लेसमेंट हो चुका है। देखिए राइट नी बिल्कुल सीधा हो चुका है, लेफ्ट नी अभी भी टेढ़ा है। राइट नी हो चुका है, लेफ्ट नी अभी हम करने वाले हैं इनका। तो पेशेंट विदाउट स्टिक चलता है, काफी सक्सेसफुल सर्जरी। ये 6 हफ्ते ऑपरेशन के बाद मूवमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है। ये नौशाद साहब के बेटे हैं रहमान नौशाद, इनके अगर आप देखें घुटने 40 डिग्री टेढ़े हैं डिफॉर्मिटी, और यहाँ 18 डिग्रीज डिफॉर्मिटी है। ये ऑपरेशन के पहले बिल्कुल टेढ़ा चलते थे,
इनके हमने दोनों घुटने पतले किए, एक हफ्ते बाद एक पहले किया, एक हफ्ते बाद दूसरा किया। पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। अभी फिलहाल 6 हफ्ते बाद वीडियो लिया तो स्टिक पे चलते थे, अभी अगर आप कार्टर रोड जाओ तो 2 किलोमीटर रोज चलते हैं, इतना फ्री हो गया है घुटना इनका। चौकड़ी मार के बैठते हैं, हाई फ्लेक्शन नहीं है, 150 डिग्री मूवमेंट आफ्टर सर्जरी। 90-year-old पेशेंट जब डिस्चार्ज कर रहे थे तो ट्रस्टीज ने हॉस्पिटल में उन्हें फेलिसिटेट किया था। यहाँ अगर आप देखें पोस्ट ट्रोमैटिक है, फुटबॉलर था, इनका राइट नी अगर आप देखें बिल्कुल टेढ़ा है, ऑपरेशन के 10 दिन बाद उन्होंने फोटो ली, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, कंप्यूटर से होता है। इम्तियाज खान है अमजद खान के भाई, इनका राइट नी रिप्लेसमेंट हमने किया है, और अक्सर इनके घर जाओ तो बताना चाहता हूँ कि ऐसे बैठते हैं किसी को पता भी नहीं चले कि इनका ऑपरेशन हुआ है, एकदम नॉर्मल जॉइंट हो गया। ये अभी रीसेंट एडवांसेस है, 155 डिग्री मोड़ने वाले आर्टिफिशियल जॉइंट भी आजकल अवेलेबल हो चुके हैं, तो हम पेशेंट्स में डालते हैं। नॉर्मल जॉइंट है, अभी ये सिर्फ बोन्स दिखा रहे हैं, अभी आर्टिफिशियल जॉइंट कैसे बैठता है वो बताएंगे। ये आर्टिफिशियल जॉइंट बैठा है, थैंक यू। क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो हम सवाल पूछना है माइक पे पूछेंगे, हाथ ऊपर करिए, आपके पास राहुल आएंगे और फिर आप माइक पे पूछिए तो सबको उसका फायदा होगा। Yeah, you can ask, no problem. But that is basically, I want to listen to arthritis and osteoporosis. Arthritis is wear and tear of joints. Osteoporosis is weakening of bone age. That is not curable. Osteoporosis is curable. आजकल scan आते हैं जो osteoporosis का आपको diagnosis देते हैं। Scan की report के वजह से उसे देख के हम appropriate दवाइयाँ दे सकते हैं। 3-4 साल का course होता है, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। It is very common, but patients don't come and get it treated. But whenever I see a patient, I do advise them. Bone density अगर कराएं तो osteoporosis कितना exactly पता चल जाता है। Accordingly हम दवाइयाँ देते हैं, 3-4 साल का course होता है, तो काफी हद तक curable है। आप करो, लेकिन मैं हिंदी में जवाब दूंगा। आपका टेस्ट किया? नहीं नहीं, मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव है हाँ, तो उसके लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा, रूमेटोलॉजिस्ट दवाई देते हैं। अगर आप लीलावती हॉस्पिटल में डॉक्टर शुभदा काल के उनको जाके मिलेंगे तो दवाई शुरू करेंगे, उससे शोल्डर में फर्क पड़ जाएगा। हाँ हाँ, वो दवाई से ठीक हो जाएगा।
रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। रिस्क है 2% रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, समटाइम्स यू गेट सुपरफिशियल इन्फेक्शन, समटाइम्स डीप इन्फेक्शन, कभी कभार 7-8% पेशेंट्स हैव सम पेन इवन आफ्टर सर्जरी, यूजुअली इन वुमेन, वी डोंट नो व्हाई। किसके लिए? बैक पेन। वो फिर एक्सरे वगैरह लेके बैक स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बैक के काफ़ी 6-7 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बैक पेन होती है। आपको आपके स्पाइन स्पेशलिस्ट या जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा। जैसे नी का एक्सरे वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वैसे स्पाइन के लिए भी करते हैं। डायग्नोसिस दिया जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस है कि आर्थराइटिस है, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू की जाएगी। नहीं, इट डिपेंड्स। एमआरआई करके हम देखते हैं कि ऑपरेशन लगेगा कि ऐसे ठीक हो जाएगा, बट पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, वेट लॉस, ये सब ट्राई करना चाहिए। सर, वंस इट इज डन, तो सेकंड टाइम इट कैन बी डन? या इट कैन बी डन, बट इट इज अ मोर एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इट कॉस्ट ट्वाइस द अमाउंट, and at that stage patient is not medically fit. 60 की उम्र में अगर medical problems है तो 80 की उम्र में कितने medical problem होंगे आप सोचिए। तो अगर a first surgery बराबर की जाए computer से, so we are hoping that the patient may not need another surgery. But suppose somebody needs, then we can do it. Yes, efficiency will be same? No, results are slightly less better. Not the results are not the same. Or arthritis though is a disease of bone. So it will affect the entire skeleton as if it is rheumatoid, it will. If it is osteo, it won't. So even after replacement of the joint, na, bone to unka damage to chalu rahegi. Joint to hum nikal dete hain replacement. Other bones, other joints like I told this lady, if she takes medicine for rheumatoid arthritis, to phir damage nahi hota. And in fact, upper limb mein, shoulder mein replacement ki zarurat nahi padti. Dawaiyon se kafi had tak patient kaam chala lete. But what about the joint, part of the joint, in between the joints? No, the joints will prevent further damage, and with physiotherapy we will maintain movements. You cannot cure arthritis, but at least the patient is mobile. Now this lady, even though her shoulder is limited, but she can walk freely. So you are improving the quality of life. And what is the cost aspect of? Cost depends. If we do in charitable section, we are doing for 1,15,000 to 1 lakh. It goes up to nearly 3,50,000, depending on the hospital you choose. But in all the cases, even for the cheaper surgeries, we are using imported joints. We are not using Indian joints because the imported joints will last you at least 20 to 25 years. Other computers in the other, Indian joints 10 years ke andar khatam ho jaate. हेलो, राइट नी में पेन है, मगर एक्सरे में रिपोर्ट आई थी कि उसकी कुशन खत्म हो गई। हाँ, सेम बात। क्या मुझे मसाज हेल्प करेगी, केरला मसाज या हवाई की मसाज? इट डिपेंड्स ऑन हाउ एडवांस योर डिजीज इज। आपको पेन कितना होता है? डॉक्टर कर लेते हैं, मगर पेन कंटिन्यू है। एक्सरे वगैरह देखना पड़ेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। अगर अर्ली स्टेज है इट विल हेल्प यू। अगर क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है, देन इट डजंट हेल्प। व्हाट टू डू इफ क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, देन यू, देन इट विल नॉट हेल्प। इट इज रिप्लेसेबल। यस, बट टिल यू कैन टॉलरेट व्हेन इट बिकम्स अनबेरेबल, देन गो फॉर योगा। कैन हेल्प, योगा विल हेल्प। इट हेल्प्स 50% 50-60% पेशेंट योगा एंड एक्सरसाइज हेल्प्स। इन 40% पेशेंट नथिंग हेल्प्स। दोस 40% पेशेंट्स वी एडवाइस नी रिप्लेसमेंट। और फिजियोथेरेपी? Of course it will help. Yes. कोई दवाई painkiller वगैरह? Painkiller नहीं लो तो better है, but with after seeing your X-rays we can give you disease modifying drugs जिससे बीमारी को थोड़ा हम slow कर सकते हैं। दूसरे कैप्सूल आते हैं, अभी मैंने देखा था। Glucosamine. हाँ, वो help करते हैं। That helps, but till your cartilage is left. If your cartilage is totally gone, then even that doesn't help. तो ऐसे पता चलता है क्या? Joint replacement is the only option. Thank you. ये ऑपरेशन करने के बाद में वज्रासन में बैठ सकता है पेशेंट? अगर हाई फ्लेक्शन नहीं करें और बाद में पेशेंट फिजियोथेरेपी बराबर करे तो बैठ सकता है, बट वी डोंट एडवाइज इट बिकॉज जॉइंट के ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ता है। थैंक
sir, you never told us, sir, you never told us that the weight of the fat which causes arthritis, you not said about that. You not told us the diet and after the operation what precautions should take and what care to take. Diet comes into importance if you have high uric acid levels. So when I said doctors will do blood tests, we usually check the uric acid levels. If uric acid is high, more than 6, then we give medicines to bring it down. Plus you have to avoid high protein food. But if your uric acid is normal, then the diet really doesn't help much. Weight loss will help. So diet for weight loss will indirectly help the joints. So, but you are not only the fat and the weight, because all the people there are Last 5 patients of mine are very thin patients. So it is not always the problem. Fatness does not cause arthritis, but once arthritis starts, then you need to undergo weight loss. And even thin patients, I've got patients who we did a bilateral knee replacement 14 days back. She weighs 45 kilos. Thin patient. But if you see her knees, I've taken a video, I've not yet shown you. Because I am waiting for the video after the surgery. I want to combine them and show them to you. She had her knee bent nearly 23 degrees on both sides. Today she is walking with straight knees. And she is so happy, she used to get breathless while walking. Now she can walk comfortably. She is basically giving patients a better quality of life. She weighs only 45 kilos. So there is something genetic which we don't know about which causes arthritis. ऑपरेशन के आगे जब भी पेन होता है तो हम वी लिव एंड वी डोंट मेक वॉक स्टे लेकिन आफ्टर ऑपरेशन आल्सो आई हैव सीन सम लेडीज दे लिव दे डोंट वॉक स्टे समटाइम्स इट बिकम्स अ हैबिट समटाइम्स इफ दे हैव डन ओनली वन नी रिप्लेसमेंट दे विल कंटिन्यू टू लिव वंस बोथ द नी रिप्लेसमेंट्स आर डन द लिम्फ रिड्यूसेस इट मे नॉट गो अवे टोटली बट पेन गोज अवे टोटली And the yoga, you said yoga helps, so what type of exercise? That I think you'll have to ask him because he's the yoga expert. But I have got a 50% result with yoga. 50% of my patients have benefited, 50% have had no difference. I think it depends on the stage of the disease also. Once the cartilage is totally gone, then I think even yoga may not help fully. But I still think that the yoga masters would be able to help you better. Because I have been told to go for the operation. Yeah. So it says if the yoga helps, then I should avoid. What I can tell you is that try everything possible. If it helps you, you are lucky. If it doesn't, then there is no other option there. But ऐसा मन में रह नहीं जाए कि मैंने ये try नहीं किया था. So you should definitely go ahead and give it a try. तो ये नी के लिए कोई expert हो वो इसके पास ही जाना चाहिए. ऐसा yoga में इतना नहीं है. General जो सिखाते हैं वही Knee exercises same ही होती है. It benefits some, it doesn't benefit some. So you have to take a chance. Because I have tried many times and then I used to get no pain. Exactly. That's what I'm telling you. So you are on the other 50%. So then, if you are really limited by pain, then you'll have to go for knee replacement. Thank you. There's also a cure called Surya Chikitsa, digging the sun on your knees or Surya Namaskar. That also helps many. I have no idea about I wanted to ask you that I do these. Hello? Yeah. I wanted. I get a massage gun. They say that mustard oil is good for the bones while massaging. So is it safe if we get massage from them or? I do not know, frankly. I wouldn't lie to you. I can tell you about the allopathic side of the medicine. Ayurvedic and non-allopathic medicine I cannot comment. But I would say that if it helps you, go ahead with it. It will not cause harm. Something applied on the skin externally will not cause harm. Unless you are allergic to it. Post surgery, what is the capability? What is the? Post surgery, what is the capability? Post surgery, care to be taken is not to do any impact sports. No jogging allowed. Regular walking is a must, 1 hour every day. अगर कहीं भी बॉडी में डेंटल एक्सट्रैक्शन या कुछ करो कवर योरसेल्फ विद एंटीबायोटिक्स
sometimes the bacteria can go from the oral cavity into the knee joint and cause delayed infection. So any surgical procedure after a knee replacement, you have to start antibiotics at least one day before the procedure. Secondly, avoid sitting on the floor too much because you're causing a lot of strain on the artificial joint. Sir, I have had pain in this elbow, right side, as well as in the knee, right side. Yeah. And when I sit in the Indian style in this posture, I feel pain. Can you give some demonstration of yoga or exercise? I don't know yoga. Second question of mine is, during the course of your explanation, one thing was beyond the comprehension of my understanding. Yes. That is, as repeatedly emphasized on computerization. Yeah. I would like you to kindly throw more light on computerization operation, whether it is different from the surgical treatment. No, the surgery is the same, but when we cut the bone, we cut it at 90 degrees to your weight bearing axis. Now calculating 90 degrees is very difficult with a naked eye. Today I can call this 90 degrees. It may not be 90 degrees when you measure it. So we are actually measuring the bone when we are cutting it. And if we have cut it in 2 degree error, we recheck it and we recut it till we get 0 degrees. You cannot do this without computers. So if your joint is 5 degrees altered, then your joint will wear off more from one side. And the lifespan of the artificial joint goes down. But sir, as a layman, I have not still understood how the computer instrument as such helps you in this. It is a technical stuff. You will not understand it unless you see a surgery. I see. Basically, it helps us to align the joint in the body to your weight-bearing axis so that the joint wears out evenly on both sides of the joint. Basically, गाड़ी का टायर आप बैलेंस करते हो, टायर हिस्सा नहीं जल्दी. Similarly, we are balancing your knee joint and the body using a computerized system, जिससे आपके artificial joint की life बढ़ जाए. Thank you. डॉक्टर साहब, ये होने के बाद तो ठीक है, इलाज करना या replacement whatever. इससे बचने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं, इट इज जेनेटिक. अगर होना है तो होगा, मतलब होना है तो होगा. इसका कोई एक्सरसाइज कुछ लेना देना नहीं. सर, यू सेड 1 hour वॉकिंग इज अ मस्ट. व्हाई दैट इज रिक्वायर्ड? योर मसल्स रिमेन स्ट्रांग, योर जॉइंट्स रिमेन सपल, टिश्यूज रिमेन स्ट्रांग. इफ योर मसल्स अराउंड योर जॉइंट आर स्ट्रांग, even that decreases the wear of the artificial joint because your muscles take part of the load when you walking on level surface. No, steps does not cause a problem. With a modern knee replacement, our knees are bending 140 degrees. So even higher steps can be negotiated. My inner joint gradually became crooked. For the last 20 years I am suffering from this struggle, but I did not know anything about arthritis. Only when it started paining, I usually take homeopathy. Yeah. I took homeopathy, but there were no, without any result. And then I took a neurotherapy, that is, you know, they stamp the glands and certain nerves with the legs. And after 6 months, the fingers became flexible. And now with the pranayama and yoga, there is no pain only. They are still crooked, but there is no pain. Yeah. But then I started getting pain in the knees, just the beginning. But you know, with the exercise, it subsides and it's homeopathy. Yeah, but should I go for this? Absolutely. Because if your major joints, see, your finger joints do not take any weight, but your knee joint takes weight. Sometimes it may wear off without causing pain. So I think diagnosis is very important. If you have rheumatoid arthritis, they will give you one tablet which you need to take every day, which will slow down the disease tremendously. But you know, I have a weak constitution. I cannot bear the potency, you know, it's very strong. Then I get palpitation. Then you'll have to leave it at nature cure and see how it goes. If your knee joints become very bad, then you may need surgery. So it's just the beginning. Just keep your knee muscles strong. Exercise regularly, that's all. Okay.
shoulder, I had frozen shoulder. But with exercise, I feel it's subside. I'm telling you, exercise is number one of my prescription. Medicines come second. I go for walks also. Very good. Very good. Doctor, is it an emotional disorder or and what limits the function of the knee? Is it an emotional disorder or what limits the movement of the knee? No. Because if you're saying genetic, then it should start from birth itself. Yeah. No, why no. Why gives problem at particular genetic predisposition means you are more prone to it than a normal person. If it runs in families, like if your grandfather, grandmother had it, sometimes it skips two or three generations, but it runs in families. So you need not have it from birth. You can start at the age of 16 or 16, depending on what kind of arthritis. Make a plan first. That's the first problem. Yes. So what do you do? You get arch support. You have to build it into your chambles. But then my son is 16 years. At 16, we don't give arch support. So you remain flat. Leaning flat after the age of 30, 40, if he starts getting symptoms, then give him an arch support. We've spoken too much about this knee. What treatment do you suggest for rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis are treated by rheumatologists, not by orthopedic surgeons. So we refer them to the medical management and they keep checking your blood test every 6 weeks. Way for anybody to know that he's on the way to get arthritis. Sometimes blood test can tell you. You can approach your orthopedic surgeon and tell him I want to screen myself for arthritis. He can do some blood tests. Can you take a precaution since you say genetic? Any precaution from birth that you know that these cells will stay? No, not yet. Not yet. No science yet to do that. नहीं नी कैप से सिर्फ आपको जैसा प्रेशर मिलता है मसाज में यू फील अ लिटिल बेटर समटाइम्स सपोर्ट मिलता है जॉइंट को बट इट डजंट क्योर आर्थराइटिस इन एनी वे इट हेल्प्स विद द पेन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट डिपेंड्स इफ यू आर अर्ली आर्थराइटिस देन रेगुलर नी कैप इफ इट इज एडवांस देन वी गिव नी कैप विद इंचेस इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द आर्थराइटिस Doctor, in rheumatoid arthritis, you have to take medicine throughout the life. Or till the disease burns out. Sometimes the disease burns out. Because, yeah, how does that disease burns out? Sometimes it burns out, sometimes it doesn't. It's individual. Doctor, I wanted to ask you that, could you throw light on this, sleeping on the floor or on the bed? Will it make any difference? If you have arthritis of your knees, every time you get up from the floor, you put tremendous pressure on your joint. So in that case, it is avoidable. But if you have no arthritis, it is sleeping on the floor, is it like ideal? I mean for a it is individual. Some can, some can't. Doctor, as you take the medicine for temporary relief, it causes kidney and liver problems. Not that is why you take under supervision of doctor, you don't take yourself. We have pain, we have problem, so we have to wear a certain type of shoes or any flat shoes. No, if you have flat feet, then we advise an arch support for your foot. No, for knee problems. See, I have a knee problem. So, what type of shoes shall I wear? Anything that cushions your walking, a good sport shoe. Not flat. A good sports shoe with an arch support would be the best when you go for your walks. And in the regular scenario, wear something which is comfortable and absorbs your shock. Soft slippers. Hello. Jai Rudev. बहुत कम समय में उन्होंने बहुत सारा कोई कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टेक्निकल ऐसे सब नॉलेज है फिर भी उन्होंने बहुत सिंपल करके हमें बताया है वैसे जो ज्ञान उनको पाने के लिए पाँच पाँच दस दस साल लगते हैं तो किधर सर्जन बनते हैं मतलब हेलो
फिर भी उन्होंने बहुत ही ये सिंपल करके हमें सबको दिया है, तो हम एक बार जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद देंगे। मैं बंसी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ वो डॉक्टर साहब को छोटा सा कुछ तो कुछ दें और उनका आभार। थैंक यू सो मच सर। और आपको आज इधर से निकलने के पहले आपको एक इनविटेशन कार्ड दिया जाएगा, यदि आपको किसी को भी उनको मिलना है तो एक महीने के लिए उन्होंने फ्री कंसल्टेशन रखा है, तो आप इधर से जान जो भी 20 के ऊपर है इस, हाँ जी, सिर्फ नी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि वो नी में गुड़गा जो है अपना जो नीज है उसी में स्पेशलाइज है, तो उसी के बारे में यदि आपको कुछ भी उनको पूछना है फ्री कंसल्टेशन आर अवेलेबल, तो उसके लिए आपको इधर उनका कार्ड जो है वो मिलेगा। ये जो सत्संग खत्म होगा उस समय आप इधर से कलेक्ट करेंगे और उनको कभी भी आप एक महीने के अंदर यानी 28 जून के अंदर आप उनको जाके मिल सकते हैं, तो और वो अपॉइंटमेंट से होगा। उनका ये जो कार्ड है उसमें उनका हम पीछे मोबाइल नंबर दिया है, तो आपको कोई भी कन्वीनियंट लोकेशंस पे जैसे वो बांद्रा ईस्ट में होते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में या खार ईस्ट में है अहिंसा भवन में या वडाला में है, आप किधर भी आपके कन्वीनियंस और उनके कन्वीनियंस से अपॉइंटमेंट लेके उनको मिल सकते हैं। ये इतने एक्सपर्ट डॉक्टर होने के बावजूद इतने बड़े सर्जन होने के बावजूद हमारे सबके अच्छे के लिए और अवेयरनेस के लिए जो आज उन्होंने हमें दिया है इट्स वेरी वेरी डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि इससे हमारा सबको जरूर फायदा हुआ है। ये शब्द हमने बहुत सारे सुने हैं अर्थराइटिस रोमैटो अर्थराइटिस, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है वो उन्होंने स्लाइड्स के माध्यम से बहुत ही आसान करके श्राव्य माध्यम से उन्होंने बताया है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर विवेक अलाहाबाद जी और जो भी आपने आज सजेशन दिए वो भी हम जरूर यूज करेंगे। मैं भी अभी इसके क्योंकि उनको कुछ और जगह पे जाना है तो हम उनको बताया करेंगे, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। आई गॉट सम मोर सजेशंस विच विल अगेन डिस्कस। थैंक यू सो मच डॉक्टर।